सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी आपसे होगी। मैं अपने ध्यान में सामने रखी स्कूल के बच्चों की कापियां चेक कर रही थी, जब अचानक मजबूत आवाज़ सुनकर मैं चौंकी और सामने देखा। मुझे लगा मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है, तभी मैंने उससे दोबारा पूछा, मेरी शादी आपसे होगी और आपसे ही होगी, मेरी दुल्हन आप ही बनोगी, उसने एक बार फिर कहा। मैं तो कुछ देर उसे देखती रह गई, जो बहुत अजीब अंदाज में अपनी बात कह रहा था, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके मजबूत अंदाज और दिलेरी पर हो रही थी, जो वो बिना डरे मुझे ये सब कुछ कह रहा था। तुम मुझे क्यों ये सब कुछ कह रहे हो, मतलब पता है इसका? मैंने बड़ी हैरानी से उससे सवाल किया। वह फिर से तेज आवाज में मुझे कह गया, हाँ आपसे शादी करूंगा और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी, एक बार फिर बोला। मैं अब की बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसकी बात को मजाक ही समझ रही थी। मैंने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसकी बात को सर से नज़रअंदाज कर दिया था और उसे उसकी जगह वापस भेज दिया था और फिर से अब काम में बिजी हो गई थी। उस दिन से मेरी जब भी उस पर नज़र पड़ती तो मेरे दिमाग में उसकी कुछ देर पहले की कही गई बात घूम जाती, जिस पर मैं बस मुस्कुरा दिया करती थी। वह बच्चा बेहद दिमाग वाला और खूबसूरत था और क्लास में काफ़ी मशहूर था। यही वजह थी कि वह बाकी टीचरों की तरह मेरी नज़र में भी था। मेरे पढ़ाने का एक वसूल हुआ करता था, सब बच्चों को एक सखी बनाकर रखती थी और सबके साथ मजाकिया अंदाज रखती हूँ। किसी भी बच्चे को उसके दिमाग के बिना पर दूसरे बच्चों से बराबरी नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे टाइम से गुजर चुकी हूँ और अच्छे से जानती हूँ कि जब टीचर बच्चों की साइड लेती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ से परहेज करने की कोशिश करती थी। मैंने उस बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। वह बच्चा था जिसकी ऐसी किसी भी बात को इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उसकी बचकाना बात को मैंने इंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर स्कूल से निकल आई। अब मैंने अपने घर की तरफ जा रही थी, जल्दी से घर पहुँच कर आराम कर सकूँ। मैं कुछ ही देर में घर पहुँच गई, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं अपनी आंखें बंद की हुई थी, कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। खटके की आवाज़ पर मैंने आंखें खोलकर देखा तो आने वाली मेरी मम्मी थी। मैं सीधे होकर बैठ गई। वह मेरे सामने आकर बैठी और मेरा हाल चाल पूछने लगी। अभी तो आराम कर रही थी, मैंने पूछा तो वह मुस्कुरा दी। हाँ, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए चली आई, मेरी माँ ने कहा। मैंने अचंभों से उनको देखा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो वे अपना आराम छोड़कर मुझसे कहने आई थी। जी कहिए मम्मी, कौन सी ऐसी बात है जो आप करना चाहती हैं, मैंने बड़ी हैरान होकर ये पूछा था। एक बार फिर मुस्कुरा दिया माँ ने और नरमी से मेरे हाथ थाम लिए और कहा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और अभी इसलिए तुमसे करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे पापा को रात को जवाब चाहिए था। मेरी माँ ने बताया तो मैं ज़्यादा उलझ गई और उस उलझन में अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा कि बात यह है कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक रिश्ता भी देखा है। लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा है, खाते पीते घर के लोग हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। तुम्हारे पापा को सब कुछ पसंद है, इसलिए वह तुम्हारी रजामंदी जानना चाहते हैं, उन लोगों को मिलने और तुम्हें देखने के लिए घर बुलाना चाहते हैं। माँ ने सारी बात बताई। मैं बिल्कुल चुप थी और मेरा दिल धड़का। मेरी निगाहों के सामने वह बच्चा घूम गया जिसका नाम अर्पित था, जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी उससे होगी और मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। अब मैं जो उस बच्चे पर हंस पड़ी थी, जबकि अब सच में मेरी शादी की बात हो रही थी, कहाँ खो गई। मैं अपनी माँ के सवाल पर चौंक गई, होश में आई और कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। मैं अच्छी लड़कियों की तरह हर फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सच में कोई एतराज़ नहीं था। मेरी बात सुनकर वो बेहद खुश हुई और मुझे सदा खुश रहने की आशीर्वाद देने लगी और आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मैं उनकी बातों को सोचने लगी, मगर फिर सर झटक कर आराम करने लगी। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी और अभी मैं 24 साल की हो गई थी। मुझसे दो भाई बड़े थे, दोनों ही शादीशुदा थे और दो बच्चों के बाप भी थे। भाई भाभियों और बच्चे हमारे साथ ही रहते थे, जिसकी वजह से घर में काफ़ी रौनक होती थी। मेरी और कोई बहन भी नहीं थी। यही वजह थी कि मैं इकलौती बेटी और बहन होने की वजह से मैं अपने बाप और माँ की और भाइयों की बेहद लाडली थी। भाभियों के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा था,
काफ़ी दोस्ताना, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल काफ़ी खुश रहता था। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने टीचर का कोर्स करके शौक के तौर पर टीचर की जॉब करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे टीचर बनने का बेहद शौक था। जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ शौक के खातिर मैं ये जॉब कर रही थी। मेरे पापा की अपनी गारमेंट की फैक्ट्री थी, जहाँ एक महीने में हमारी सोच से भी ज़्यादा आमदनी हो जाया करती थी, और पापा की फैक्ट्री का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे मुनाफा भी ज़्यादा होता था। मेरे भाई और पापा इसी फैक्ट्री को संभालते थे, और यूँ हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी से और इतना आराम से बीत रहा था। मुझे स्कूल में जॉब करते हुए 3 महीने हो चुके थे। पापा को मेरा जॉब करके खुद को थका देना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मेरी ख्वाहिश के आगे हार मान गए थे। वे चाहते थे कि मुझे मेहनत मुशक्क़त ना करनी पड़े, क्योंकि उन्हें मेरी फ़िक्र थी और मेरी मोहब्बत में ऐसा करते थे। पिछले 3 महीने में स्कूल में प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। बाद में मैं 7वीं क्लास को पढ़ाने लगी थी। अब मुझे उन्हीं को पढ़ाना होगा, और मैं भी बिना किसी एतराज़ के ये जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास बदलने से। अब मैं 7वीं क्लास की टीचर थी और उन्हें ही पढ़ाती थी, मगर आज वे बच्चा अर्पित मेरे पास आया था और मुझसे शादी की बात बड़ी मजबूत अंदाज में की थी, जिसको मैं हंसकर टाल दिया था। वह बच्चा था, और बच्चे अक्सर ऐसी ही बातें कर जाते हैं, और मेरी माँ ने मेरी रजामंदी मेरे पापा तक पहुँचाकर मुझे ये भी बता दिया था कि कुछ दिनों में वे लोग मुझे देखने आएंगे, जिस पर मैं चुप होकर सिर हिलाकर रह गई थी। आज फिर मैं स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, जब अचानक वही बच्चा अर्पित मेरे पास आया और बोला कि टीचर, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान सी हो गई, मगर फिर भी हंसकर उसकी बात को टाल गई थी। वह बच्चा है और इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और गुस्सा करने के बजाय उसकी बात पर हंसने लगी। मैंने आज फिर उसकी बात टाल दी थी, और मुझे ये बात कहने के बाद फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। मेरे दिमाग से ये बात बाकी बच्चों में बिजी होकर भी नहीं गई थी, मगर आने वाले थोड़े दिनों में मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वह बच्चा अपनी बात का कितना पक्का था, क्योंकि वह हर रोज़ मुझसे आकर यही बात करता था, और मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी। पहले पहल तो मैंने उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया था, मगर आखिरकार कब तक, मेरी बर्दाश्त की अब हद हो गई थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं गुस्सा उस पर उतार दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मुझसे ऐसी बात क्यों करता है, और वह भी बिना हिचकिचाए। मैंने उसे डांट डपट कर इस बात को करने से मना करना चाहा था, मगर वह बाज नहीं आया था, जिस पर मैं बेहद तंग आ चुकी थी। मुझे इस सब का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, कैसे उस बच्चे को इस बात से मना करूं। अपने किसी साथी टीचर को मैंने ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात सुनकर यही कहेंगे, ये बच्चा है नादान है, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दो, एक बच्चा समझकर। मगर यही तो सारी बात थी कि मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी रोज़ रोज़ की एक ही बात से मैं बेहद तंग आ चुकी थी। उस दिन मैं कुर्सी पर बैठी थी, 7वीं क्लास की कापियां चेक कर रही थी, जब वो मेरे पास आया, फिर वही बात दोहराई, और वह रोज़ कहता था। आज मेरे सब्र का पैमाना टूट गया था और मुझे बेहद गुस्सा आ गया था, जबकि वो मासूम सा चेहरा बनाए मेरे सामने खड़ा था। कल अपनी माँ को लेकर आना, मैंने गुस्से से कहा। उसकी माँ को स्कूल में बुलाना चाहा था, उससे बात करके उसके बच्चे की हरकत के बारे में बता सकूँ, ताकि वह उसे मना कर सके। मेरी बात तो वह मान नहीं रहा था, मगर अपनी माँ की बात जरूर मान जाता। मेरी ये सब बात सुनकर वह एकदम से बोल पड़ा, मेरी माँ स्कूल नहीं आ सकती। उस बच्चे ने बड़े भरोसे में कहा कि नहीं आ सकती। मुझे उसके मना करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू करनी थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, वह स्कूल क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वह अपाहिज है, आप ही घर आकर उनसे मिल लो, उस बच्चे ने कहा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, उस बच्चे की माँ अपाहिज थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन 7वीं क्लास में था और इतना छोटा भी नहीं था कि ऐसा झूठ आराम से बोल पाता। यकीनन उसकी माँ अपाहिज थी, तभी वह ऐसा कह रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसकी माँ से मिलने का फैसला कर चुकी थी। अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाली थी। बाकी सारा टाइम मैंने अर्पित की बातों को नज़रअंदाज किए रखा और काम में बिजी रही। छुट्टी के बाद मैंने अपना बैग संभाला और अपने ज़रूरी काम की एक फ़ाइल हाथ में ली और स्कूल से बाहर निकली। वह बच्चा अर्पित मेरे साथ ही था, क्योंकि मेरे साथ साथ वह बच्चे को भी याद था, मुझे उसके घर जाना है उसकी अपाहिज माँ से मिलने।
काफ़ी देर यूं ही सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए करीब करीब 20 मिनट में वह उसके घर पहुंची थी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्चे के साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के दीवारों से अजीब सी मनहूसियत और डर सा टपक रहा था, जिसे देखकर मैं खुद परेशान सी हो गई। फिर हौसला किया और अर्पित की माँ को ढूंढने लगी, जो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में और फिर आंगन तक, किचन में, पूरे घर में छान मारा। उसके बाद मुझे अर्पित की माँ नज़र नहीं आई थी, जो कि अर्पित ने बताया था कि उसकी माँ अपाहिज थी। वह भी एक तरफ खड़ा था, चुपचाप मुझे देखे जा रहा था। मैं परेशान से अभी अर्पित से पूछने ही वाली थी कि उसकी माँ कहाँ है, अचानक वह बच्चा बोला कि माँ इस कमरे में है। मैंने उसके इशारे पर सामने मौजूद कमरे की तरफ देखा, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गई, क्योंकि मैं उस कमरे में देख चुकी थी। वह खाली था, बस उसके सामने ऊपर सामान रखा हुआ था। मगर एक बार देखने के बाद फिर से अर्पित के कहने पर उस कमरे में दाखिल हो गई। एक बार दोबारा देखने में क्या हर्ज था, जो ही मैंने अंदर कदम रखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक आदमी की मर्दाना सी आवाज़ उभरी थी। मैं अपना होश हवास खो बैठी थी। पीछे मुड़कर देखा, मैं डर से चीख उठी, क्योंकि सामने ही एक लंबा तगड़ा सा आदमी अपनी पैनी निगाहों से मुझे देख रहा था। न जाने कौन, कौन हो तुम, मैंने गुस्से से पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अर्पित कहीं नहीं था और दरवाजे के सामने वह आदमी खड़ा था, जिसके सामने से होते हुए वह बाहर निकल गया था। वह कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मुझे अपछतावा हो रहा था। मैं क्यों अर्पित की बात मानी और क्यों उसके साथ यहाँ चली आई। मैं अर्पित का बाप हूँ और अब तुम्हारी शादी अर्पित से होगी, अर्पित के बाप ने कहा, तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं बहुत तेज चिल्ला उठी, जिस पर वह आदमी ने बड़ी गुस्से से मुझे देखा। आवाज़ नीचे रख बात करो, उस आदमी ने गुस्से से घूर कर कहा। तुम आवाज़ नीचे रख कर बात करो और चलो, अभी मैं तुम्हारी शादी अर्पित से करवाऊँगा। ऐसे कैसे, वह 14 साल का और मैं 22 साल की, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपने बेटे की शादी अगर इतना ही शौक है तो उसकी हम उम्र लड़की से जाकर करो, मैं गुस्से भरे अंदाज में कह रही थी। तेजी से बाहर की तरफ भागी, मगर अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक उस आदमी ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रखा। उसके हाथ में शायद रुमाल था, जिसके अंदर से अजीब सी बदबू मेरे नाक से होती हुई मेरे दिमाग तक पहुंची। अगले ही पल मैं अपने होश हवास खोकर नीचे गिर गई। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने या समझने का मौका भी नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रही, मैं नहीं जानती थी। मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना फटा जा रहा था, दर्द के मारे जैसे किसी ने सर में हथौड़ा मार दिया हो। मेरी आंखें भी बड़ी भारी हो रही थी। मैं अपनी आंखें और कनपटियों को दबाती हुई अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश करने लगी, और जब कुछ आराम हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेहोश होने से पहले का मंजर घूम गया। उस मंजर का याद आना था कि मेरी रीढ़ की हड्डियों में सनसनाहट हुई और मैं डर के मारे तेजी से इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, तो ये देखकर मेरी डर और ज़्यादा बढ़ गई। मैं किसी वीरान और गंदे से कमरे में थी, जहाँ कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ था। वहाँ से बड़ी गंदी सी बदबू उठ रही थी। ये उस घर का कमरा नहीं था जहाँ अर्पित मुझे लेकर गया था, बल्कि ये कोई और ही जगह थी। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों अर्पित के बातों में आ गई थी, क्यों उसके घर गई। अगर मुझे पता होता उसके घर जाकर मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता था, मैं कभी वहाँ ना जाती। सारी बात तो ये थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने फ़ोन देखना चाहा, मगर बैग मेरे पास ही था, लेकिन उसमें फ़ोन नहीं था, यानी उस आदमी ने फ़ोन भी ले जा चुका था। मैं बड़ी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर जो अंदर था, जिस पर मैं ज़्यादा घबरा गई। न जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे, वो मुझे कहीं ढूंढ पाएंगे या नहीं, कहीं वे आदमी मुझे जान से न मार दे। लेकिन ये तो तय था, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। मैं कैसे अर्पित से शादी कर लेती, जो अभी महज 14 साल का था। बाहर दिन था या रात था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। कितनी ही देर यूं ही बीत गए। मैं कभी सो जाती, कभी उठकर बैठ जाती, क्योंकि मुझे बेहद भूख का एहसास हो रहा था। लेकिन वह आदमी जो अर्पित का बाप था, मुझे यहाँ लाकर कैद करके छोड़ चुका था और पलट कर मेरी खबर भी नहीं ली थी। इस कसमुकस में मेरी आँख दोबारा लग गई थी और कुछ खटकने की आवाज़ पर मेरी नींद खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही आदमी अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में एक पन्नी था, जो उसने मुझे थमाकर कहा, ये लो खाना खा लो। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तभी मैंने चुप से पन्नी पकड़ लिया और कहा,
तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने धीमे शब्दों में बोली थी। अब बहस करने की मुझमें भी शक्ति नहीं थी। क्यों, तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवाएगा, लेकिन वादा करके वह भूल भी गया। जब मैंने उसकी बात याद दिलाने की कोशिश की तो वह अपनी बातों से भी मुकर गया। उसे इतने आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। मैंने तभी तुम्हें यहाँ धोखे से बुलवाया था कि तुम्हारे अपने बेटे की शादी करवा सकूँ। अब ये पेपर पकड़ो और साइन करो, उसने बड़ी गुस्से में कहा और पेपर पेन मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं उसकी बातों पर नासमझी में पेपर थाम लिए थे और उन पेपर को खोलकर देखा तो मेरा दिमाग का ढक्कन जैसे एकदम से खुल गया। वे कागज़ तो मेरे शादी के लिए तैयार किए गए थे, जिस पर छोटा सा अंगूठा लगाया हुआ था, जो कि शायद अंगूठे का निशान अर्पित का था। बगैर रजामंदी से किसी की शादी कैसे हो सकता है? और मैं भी राजी नहीं हूँ तो आप ज़बरदस्ती मेरी शादी नहीं करवा सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा यकीन है, वह कभी भी मेरी शादी 14 साल के छोटे बच्चे के साथ मेरी शादी कैसे किसी से करवा सकते हैं, मैंने तड़प कर कहा। तो वह मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हें तुम्हारे बाप ने नहीं बताया होगा, मगर यही सच है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवाएगा। अभी वह बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा और फिर वह फौरन उठकर कुछ देर बात करता रहा और फिर मेरी तरफ ध्यान दिया हुआ था। मैं कल फिर आऊँगा और मुझे हर हाल में उन पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, मुझे धमकाकर बाहर निकल गया। फिर मैं बेबसी से फूट फूट कर रोती हुई आंसू के साथ खाना खाने लगी। वह रात भी इसी तरह मुश्किल में बीत गई थी। उसने मुझे बस एक टाइम का खाना दिया था, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसके बेटे से शादी के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे अपने बाप पर पूरा यकीन था, वैसा कभी कर ही नहीं सकते थे। अगले दिन मैं डरी सहमी बैठी हुई थी जब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ, मगर मेरी हैरत का झटका तब लगा जब देखा कि वह एक अपाहिज औरत थी। मुझे पहले ख्याल यही आया, कहीं यह अर्पित की माँ ना हो। उसने मेरे नज़दीक आकर मेरे पूछे बिना खुद बता दी, वह अर्पित की माँ है और वह आदमी जिसने मुझे यहाँ रखा था वह अर्पित का बाप है। करीब करीब 42 साल की औरत थी, जबकि उसका पति भी 45 साल का था। मैंने उस औरत से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने का कहा और मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेज़ी से उसकी व्हीलचेयर के पीछे चलने लगी। जैसे वह खुद ही चल रही थी, उस घर से बाहर निकलकर गलियों से होती हुई मुझे बेसमेंट के बाद एक और घर में ले आई। घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिला था। घर न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत प्यारा था। मुझे एक कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे फ्रेश होने के लिए इशारा किया। मैं हाथ मुँह धोकर ताज़ा होकर आई, उसके सामने बैठ गई। तुम्हें मेरे पति और बेटे की वजह से जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हो सके तो मेरे पति और बेटे को माफ़ कर देना, उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा। तो मैंने तेज़ी से नामे सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ खोल दिया और पूछा कि क्या उसके पति ने कुछ मेरे अर्पित के शादी के बारे में कहा है। मेरे सवाल पर उसने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर मेरा चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, उस औरत ने कहा। तो मैं उलझकर उसे देखने लगी। अगर ये पूरा सच नहीं था तो पूरा सच क्या था? ये सवाल मेरी आंखों में भी उतर गया था। तभी उस औरत ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसकी बात ध्यान से सुनने लगी थी। आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से बड़ी परेशानी में थी, उसके बारे में जानना मेरा हक था। तभी वो बोलने लगी, बेटा जब मेरी शादी मेरे अनुज से हुई थी, तुम्हारे पापा और मेरे पति आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इस बात के बावजूद भी उन दोनों के उम्र में 6-7 साल का फ़र्क था। जब मेरे यहाँ पहले बेटे सुरजीत की पैदाइश हुई थी तो तुम्हारे पापा के 2 बेटे पहले से थे। तुम बाद में पैदा हुई थी तब मेरा बेटा 2 साल का था। अनुज ने तुम्हारे पापा से दोस्ती को रिश्ते में बदलने का सोचा। तुम्हारे पापा भी इस बात से सहमत थे। तुम्हारे पापा और अनुज ने वादा किया था वे तुम्हारी शादी मेरे बेटे संजय से करेंगे। तुम्हारे पापा तो वादा करके शायद भूल गए, लेकिन अनुज ने उनके किए वादे को कभी नहीं भूला। मेरे पति का गाड़ियों का बिजनेस था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वजह से हमें दूसरे शहर में जाना पड़ा। उसी बीच बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसके कई साल बाद हमारा छोटा बेटा पैदा हुआ जो कि अर्पित था। टाइम यूं ही बीतता रहा, लेकिन अनुज की बातचीत तुम्हारे बाप से ना होने के बराबर हो गया और मिलना जुलना भी कम हो गया। अर्पित को तुम्हारे बारे में पता था कि तुम्हें मेरे बेटे संजय के लिए मांग लिया गया है और वह उस रिश्ते पर खुश भी था, मगर संजय तब 18 साल का था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में
मेरी टांगें खराब हो गई। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे भाई की गाड़ी से हुआ था, मगर वह चाहता तो मुझे अस्पताल पहुंचा सकता था, मेरी मदद कर सकता था, जिससे मैं आज अपाहिज ना होती। लेकिन वह भाग गया। इस बात का पता अनुज को चल गया था कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार उनके खास दोस्त का बेटा है। तब से उनके दिल में बदले की आग भड़क रही है। पत्नी दोस्त की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। उन्होंने कहा कि अब वो तुम्हें अपनी बहू बनाकर तुम पर जुल्म करके तुम्हारे घर वालों से मेरी हालत का बदला लेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अपने बेटे संजय से बात की, जो अब 23 साल का हो चुका था और अर्पित 11 साल का, मगर संजय ने साफ मना कर दिया, वह तुमसे मोहब्बत करता है और कभी भी किसी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस पर अनुज ने संजय को घर से निकाल दिया। अनुज से तुम्हारे पापा ने वादा किया था कि वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करेंगे। अब बेटा जो भी होता, जिस भी उम्र में, तभी अनुज ने संजय को छोड़कर अर्पित को चुन लिया और तुम्हारे पापा से बात की, जिस पर वे मना कर गए। वे अपने वादे के लिए अपनी 22 साल की बेटी की शादी अनुज के 12 साल के बेटे से नहीं करवा सकते थे। तभी अनुज ने अर्पित को बुलाया और उसके सर पर बदले की आग सवार किया, जो उसे हर हाल में लेना था। उसे सिखाया कि रोज उसे तुम्हें क्या कहना है। उसने वही किया जो उसके बाप ने कहा और तुम यूं मुझसे मिलने अर्पित के बताए गए जगह पर पहुंच गई। वह हमारा घर नहीं था, हमारा घर ये है, लेकिन संजय यहाँ नहीं रहता, क्योंकि उसने अनुज की बात नहीं मानी थी। उस औरत की सारी बात सुनकर मैं बिल्कुल गूंगी रह गई। ये कहानी बदले की कहानी थी, जिसकी वजह से मुझे कैद करके रखा गया था। तुम अब आज़ाद हो, अब अपने घर को लौट जाओ, उस औरत ने कहा तो मैं तेजी से सर हिलाती हुई उठी और रिक्शा लेकर घर पहुंची। मेरे घर वाले मेरी गुमशुदगी पर निढाल हो रहे थे और मुझे सही सलामत देखकर खिल उठे थे। उनके पूछने पर मैंने सारी कहानी बताई। वे सब मेरी तरफ गूंगे बनकर रह गए। उन्हें अनुज की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े भाई ने भी शर्मिंदगी जताया। उनकी बुजदिली ने एक औरत को सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया था। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, मगर मेरे पापा ने मुझे लेकर अनुज के घर पहुँचे, जहाँ अनुज अपनी पत्नी पर गरज रहा था। उसने क्यों मुझे आज़ाद की? मेरे भाई को देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया, मगर उसने अनुज से माफ़ी मांगी। अनुज की पत्नी ने भी उसे समझाया तो अनुज इस तरह शर्त पर राजी हुआ। मेरी शादी संजय से होगी और मैं अनुज की बहू बनूंगी, और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी ने ले ली। मुझे भी अपने माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज नहीं था। ये सब कुछ ठीक हो गया, मगर असल धमाका तो मेरे सर पर तब हुआ था जब मैंने संजय को देखा। कोई और नहीं, मेरे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था, जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी, मगर मैंने किसी को जताया नहीं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद संजय ने बताया वो मेरे करीब रहने के लिए जॉब कर रहा था। उसने ये भी बताया यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था, जिस पर मुझे हैरत भी हुई थी, और ये भी सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए था। आज मैं संजय के साथ एक खुशगवार जिंदगी बिता रही हूँ, जिसमें किसी तरह का कोई गम नहीं है। मेरे ससुर अनुज मेरे साथ उनका अच्छा व्यवहार है। संजय भी मुझे बेहद मोहब्बत करता है और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल करता है। स्कूल की जॉब मैंने शादी से पहले ही छोड़ दी थी, जबकि मेरे ससुर अनुज की दोस्ती मेरे पापा से और गहरी हो गई थी। वह अर्पित भी बड़ा हो गया था, मगर सभी अक्सर उसकी बचपन की गई हरकतों पर उसकी टांग खींचा करते थे, जिस पर वह हंसकर मुस्कुरा दिया करता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।